रेडमी नोट 5 प्रो के लिए हाइपर ओएस का एक न्यू बिल्ड आया हुआ है, वर्जन है 1.0.2.0, जो कि चाइनीज़ बिल्ड से जो है पोर्ट किया गया है। तब यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, कौन कौन से बग हैं, और पुराना वाला जो था उसके अंदर जो एसडी कार्ड का बग था, हालांकि यहाँ पे फाइनली फिक्स हो चुका है, एसडी कार्ड इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग है। बाकी यहाँ पे क्या कुछ रहेगा उसके बारे में बात करें, क्योंकि उसका जो सेकंड बिल्ड आया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव की गई थी। अब यहाँ पे क्या कुछ रहेगा उन सब के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। और इंस्टॉलेशन बिल्कुल नॉर्मल ही है, नॉन रिपार्टीशन बिल्ड है ये, तो आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हो। रिकमेंडेड रिकवरी डिस्क्रिप्शन पे है, और इंस्टॉलेशन जो डिस्क्रिप्शन पे वही देख के आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। बस ये कि फर्स्ट बूट जब करना तो एक बार फोर्स रिबूट कर देना, यानी पावर बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना, जब रिबूट हो छोड़ देना बस। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। MI अकाउंट वर्किंग है, बाकी माई डिवाइस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हाइपर OS का जैसे कि CN लिखा है, चाइनीज़ बिल्ड सपोर्ट किया गया है, 1.0.2.0 ये बिल्ड है। और डिटेल इन्फो के अंदर हम इसके चलते हैं यहाँ पे, तो एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ ही आता है। सिक्योरिटी पैच जो है बिल्कुल लेटेस्ट मई 2024 का मिलता है, और जो कर्नल इसके अंदर पांडा का 12.4 कर्नल यहाँ पे हमें वर्जन के साथ यानी कि मिलता है, 4.4 बेस्ड कर्नल रहेगा ये। और यहाँ पे जो ऐप बोल्ट दिया गया है वो भी आपको चाइनीज़ में ही वैसे मिलेगा यहाँ पे, तो ये जो ऐप बोल्ट है देख सकते हो ये पूरा चाइनीज़ में रहेगा। और विजेट्स की बात करें तो विजेट्स आपको यहाँ पे चाइनीज़ में मिल जाएगा। और अब चलते हैं यहाँ पे आइकन्स की तरफ। सुपर आइकन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो सुपर आइकन दिया हुआ है वो क्या पेड वाले अनलॉक है कि नहीं है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। खुद ही अप्लाई करने का आ जाएगा, तो अप्लाई करने का आ रहा है, ये पेड वाले बिल्कुल फ्री आप यूज़ कर पाओगे। और फोल्डर एडिट ये कुछ इस तरीके का रहेगा। कंट्रोल सेंटर में क्या है कि स्मूथ तो है ये रोम, पिछले वाले भी स्मूथ थे उसी टाइप का ये भी है, बट कभी कभार हल्का सा जिटर सा लैग, यानी कि थोड़ा सा जो है लैग कभी कभार करता है, जब लगातार करते हैं तो एक आध बार थोड़ा सा लैग होता है, बाकी तो ऐसे ठीक है, हैवी लैग तो बिल्कुल भी नहीं रहता। एंड यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स आपको इसके अंदर मिलने वाले, ऑटो ब्रांड से सब काम कर रहा है। अब वॉल्यूम पैनल अब देखोगे तो कुछ इस तरीके का मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है हाइपरस वाला नोटिफिकेशन के साथ मिलेगा बिल्कुल। और पावर मेन्यू में एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है, जो कि सेटिंग में दिया हुआ है, तो उसको आप इनेबल करोगे तो ये आपको एडवांस रिस्टार्ट मिलेगा। ऐप ओपनिंग एनिमेशन इसकी भी अगर बात करें तो ये भी फिलहाल अच्छा है, यहाँ पर इसमें भी आपको हैवी लैग देखने को नहीं मिलता, तो ऐप भी अच्छे तरीके से ओपन हो जा रहा है। थोड़ा सा कुछ कुछ एप्लीकेशन में टाइम ले सकता है, डिले हो सकता है, बट लैग के मामले में हैवी लैग के साथ बिल्कुल भी नहीं आता है, और रिसेंट भी स्मूथ है। एंड रैम की अब बात करें तो यहाँ पे करीब 1.6 GB तक फ्री हमें मिल रहा है 4GB वेरिएंट के साथ में। और अगर कॉलिंग की बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल का बग ज़रूर रहेगा, और वाईफाई कॉलिंग का भी बग आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वर्किंग रहेगा, और ब्लूटूथ डिवाइस भी यहाँ पर मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे से काम कर रहा है। और बात करें कैमरे को लेकर के, तो कैमरे के अंदर नॉर्मल पिक्चर आप क्लिक कर पाओगे, एंड वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 60fps पे कर पाओगे। पोर्ट्रेट मोड का बग रहेगा, मोर में पैनोरामा मोड का बग रहेगा। एंड GCam इंस्टॉल कर लेना, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाकी इसके अंदर में म्यूजिक ऐप ग्लोबल वाला ही रहेगा। एंड प्ले स्टोर इसके अंदर में नोट सर्टिफाइड है, तो सर्टिफाइड अगर आपको करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, तो आप एक बार देख करके ट्राई कर लेना उससे। एंड यहाँ पे गैलरी के अंदर जाते हो तो इसके अंदर एडिट वाला जो है यहाँ पे एडिटर है, मेरे हिसाब से इसके अंदर इंस्टॉल नहीं आता, तो देख सकते हो इस तरीके से बार बार बताता है, डाउनलोड भी नहीं होता, तो मैन्युअली जो है गूगल मैन्युअली जो है इसका जो है एडिटर इंस्टॉल कर लोगे तो वर्क करेगा। एंड यहाँ पर फिर जो है गेट ऐप्स ये कुछ एप्लीकेशन भी यहाँ पर मिल जाते हैं इसके अंदर चाइनीज़ में। एंड ओके गूगल का बग रहेगा इसके अंदर, ओके गूगल का बग है इसके अंदर में। गूगल फोटो के साथ में हमें यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है इस रोम पर, तो इस पर आपको जो है अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा यहाँ पर। और फिर अगर बात करते हैं एसडी कार्ड को लेकर के, तो एसडी कार्ड फाइनली यहाँ पे फिक्स हमें मिल जाता है, लास्ट जो दो बिल्ड आए थे उनमें तो नहीं था फिक्स, बट यहाँ पे फिक्स मिल जा रहा है, बिल्कुल वर्किंग है, तो एसडी कार्ड का यूज़ आप इसके अंदर कर पाओगे और अच्छे तरीके से काम करे, तो इसको लेके कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगा। और अब चलते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो फीचर फॉर फोल्डेबल डिवाइस के लिए, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड पावर मेन्यू है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, डाटा सर्वर, एक्स्ट्रा डीम, ये सब है। मोर कनेक्टिविटी के अंदर कास्ट का बग रहेगा इसके अंदर में। और फिर यहाँ पे वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर जाओगे तो जैसे कि लास्ट जो बिल्ड आया था उसके अंदर रिमूव कर दिया गया था लॉक्स इन कस्टमाइजेशन, बट इस बिल्ड के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप यूज़ कर पाओगे, कस्टमाइज़ कर पाओगे पूरा लॉक्स इन क्लॉक को, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर आपका वर्किंग रहने वाला है और अच्छे तरीके से वर्किंग का कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
थीम यहाँ पे जैसे कि इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से थीम इंपोर्ट कर पाओगे। थीम जो सर्वर हो चाइनीज़ में ही देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो वॉलपेपर्स हैं वो भी फिलहाल नॉर्मल टाइप के ही पूरे वॉलपेपर मिलेंगे, बट जो मैं वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अब AOD भी जैसे कि लास्ट विल में रिमूव किया गया था, बट इसके अंदर बिल्कुल आपको वर्किंग मिल जाता है काम कर, बट हमारे डिस्प्ले के लिए, हमारे डिवाइस के लिए, डिस्प्ले के लिए ये सही नहीं होता, जैसे क्योंकि LCD वाला डिस्प्ले है, ये OLED के लिए होता है, बट फिर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यूज़ कर पाओगे, काम कर रहा है। और थीम स्टोर से भी इसके AOD के जो थीम है डाउनलोड कर पाओगे। फिर आता है लॉक स्क्रीन, जिसके अंदर टैप टू वैक बिल्कुल वर्किंग है, और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर कनेक्शन स्पीड आप शो कर पाओगे, एंड हाइड नोच है जो कि अच्छे से हाइड हो रहा है। बाकी स्टेटस बार तो पैडिंग जो इशू पहले था वो पिछले में ही फिक्स हो गया था, तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल सेंटर स्टाइल ओल्ड एंड न्यू कर पाओगे चेंज। बाकी होम स्क्रीन के अंदर कस्टमाइजेशन काफ़ी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि लॉन्चर में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सिस्टम जो नेविगेशन है यहाँ पे है, जिससे आप बटन या फिर जेस्चर यूज कर पाओगे, जो भी आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर पाओगे इसको। और काम अच्छे से कर रहा है, बस एनिमेशन के बारे में जैसे कि बताया, काफ़ी लाइट लैग ही होता है, हैवी लैग नहीं है इसके अंदर, तो ये चीज़ अच्छा है। और यहाँ पे फिर जो है एनिमेशन है, बाकी अरेंज आइटम इन रीसेंट है, जिसमें आयो स्टाइल वाला भी आप यहाँ पे इनेबल कर पाओगे रीसेंट को। और अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ, जो कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है। तो इसके अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड रहेगा बग उसका। रीडिंग मोड इनेबल करते हैं, वर्क तो कर रहा है, इनेबल हो गया, बट यहाँ पे ऑफ करते हैं प्रॉपर ऑफ नहीं होता, तो यहाँ से कलर से आपको जो है ये इस तरीके से सेलेक्ट करके इसे ऑफ करना पड़ेगा, जो कि पिछले में भी ये बग थे, पहले वाले में भी। AI वाले हमारे काम के हैं नहीं, ये ग्लोब मोड भी हमारे काम का नहीं ग्लोब मोड। और साउंड के अंदर आओगे तो फिर यहाँ पे भी आपको जो है वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता, तो वाइब्रेशन का भी बग है, वो भी इसके अंदर नहीं है। एंड साउंड इफेक्ट इसका भी बग रहने वाला है, तो साउंड इफेक्ट का भी बग यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो फेस अनलॉक है और जो फिंगरप्रिंट है, दोनों ही अच्छे तरीके से काम करे, रिस्पॉन्स आप देख ही सकते हो दोनों का काफ़ी अच्छा, और जो फेस अनलॉक है इसका रिस्पॉन्स भी देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की तरफ, जो कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। तो इसके अंदर आने के बाद में यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी में, इंक्रिप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एडिशनल सेटिंग में जाना है और फिर यहाँ पे मोर सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोम बाय डिफॉल्ट जो है डिक्रिप्टेड आता है, तो यहाँ पे ये डिक्रिप्टेड रहेगा ये रोम। और ऐप्स के अंदर एक चीज़ और मिसिंग है इसके अंदर, डुअल ऐप देखने को नहीं मिलता यहाँ पे। ऐप लोग का यूज़ कर पाओगे बट डुअल ऐप देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, ये मिसिंग थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, तो इसका भी एक तरीके से बग ही समझ लो। बैटरी के अंदर अब यहाँ पे आते हैं, लेटेस्ट सारे सेटिंग्स जो हैं हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, बट बैटरी बैकअप को लेके अभी भी मैं कहूँगा कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है इसके अंदर में। तो बैटरी बैकअप के मामले में अभी भी यहाँ पे ख़राब ही बैटरी बैकअप रहता है। और यहाँ पे चार्जिंग को लेके बात करें तो 64% चार्ज करने में 2 आवर 36 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है, बट बैटरी ड्रेन फर्स्ट डे का मैं यहाँ पे चेक किया था तो करीब 18% के करीब का ड्रेन हुआ, 89% नाइट में था, मॉर्निंग में 71%, यानी कि करीब 18% के करीब बैटरी ड्रेन देखने को मिले। जबकि अगले एक दो दिन बाद जब चेक किया था उसके अगले दिन, तो उसमें फिर मुझे जो है 7-8% देखने को मिला था, लेकिन फिर भी अगर देखें तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा ही ड्रेन हो रही है इसके अंदर में, और बैटरी बैकअप भी उतना अच्छा आपको देखने के यहाँ पे नहीं मिलता था। अभी बैटरी बैकअप को लेकर दिक्कत है, हालांकि अभी स्टार्टिंग है, देखते अगर आगे आता है बिल्ड तो क्या होता है। बाकी एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज में आपको मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्टेड हैं। और यहाँ पे इनहेंस कीबोर्ड भी है, जिससे आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करोगे तो कीबोर्ड के नीचे जो स्पेस होता है वो हाइड हो जाएगा, वो देखने को नहीं मिलेगा। और रीजन चेंज करने के इसके अंदर नहीं मिलता कोई भी ऑप्शन। बाकी जैसे कि चाइनीज़ बिल्ड सपोर्ट किया गया तो कुछ कुछ उस तरीके के भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 90 FPS मिल जाता है फ्रेम रेट, वीडियो क्वालिटी वही 100 MBPS तक का रहेगा। टैब प्लस भी है, फ्रंट कैमरा असिस्टेंट भी है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन 4GB तक का मिल जाता है, LED लाइट ये सब काम कर रहा है। इस पर कलर्स के जो ऑप्शन दिए गए हमारे काम के नहीं, तो इसको इग्नोर ही करें क्योंकि हमारा कलर में नहीं चलेगा, वाइट ही चलता रहेगा। एंड अकाउंट एंड सिंक के अंदर क्या है कि जब रोम फ्लश कर लेना तो यहाँ पे आके सिंपली बेसिक गूगल सर्विसेज को इनेबल कर लेना, ताकि प्ले स्टोर शो करने लग जाए, क्योंकि चाइनीज़ बिल्ड सपोर्ट किया गया। तो रोम तो नॉर्मल आप फ्लश कर लोगे, बूट हो जाएगा फ़ोन, सेटअप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद इसको इनेबल कर लेना ताकि आपका प्ले स्टोर शो करने लग जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी और कुछ यहाँ पे हमें देखने को फिलहाल नहीं मिलता। तब चलते हैं एंतुतु स्कोर की तरफ। तो 212,752 हमें इसके अंदर एंतुतु स्कोर देखने को मिला है। और CPU थ्रोटल की अगर बात करें तो 93% मिला है। जिप स्कोर मैक्स में 132,000 मिला है, एवरेज स्कोर में 126,000 हमें यहाँ पे मिला है। Geekbench 6 के अंदर जो सिंगल स्कोर है 300 है, और मल्टी स्कोर 1133 हमें इसके अंदर में मिला है। और
जो इसका बूट एनिमेशन है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो इस पर क्या है कि जब फर्स्ट टाइम आप फ्लश करोगे तो इस तरह रेडमी नोट 5 प्रो पे रुका रहेगा, तो एक बार फोर्स रिबूट कर लेना ध्यान से फर्स्ट टाइम जब रोम फ्लश करना, ताकि ये ना समझो कि बूट लूप पे फंस गया फ़ोन, तो इसलिए फोर्स रिबूट कर लेना, यानी कि फर्स्ट टाइम जब बूट करना रोम फ्लश करने के बाद तो पावर बटन को होल्ड करके रखना थोड़ी देर, जब रिबूट होने लग जाए छोड़ देना। बाकी इस तरीके का जो है हाइपर ओएस का आपका बूट एनिमेशन इसके अंदर में रहने वाला है। बूट एनिमेशन भी देख सकते हो बिल्कुल हाइपर ओएस का लेटेस्ट जो बूट एनिमेशन है उस टाइप का पूरा ये जो है मिलने वाला है इसके अंदर। और अब चलते हैं गेम की तरफ। तो गेम टर्बो के अंदर वैसे आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर तो मिल जाता है, बट ये इसके अंदर जो फ्री वाले वॉइस चेंजर हैं उनका यूज़ कर पाओगे। गेमिंग मोड का ऑप्शन हालांकि हमें यहाँ पे देखने को इसके अंदर नहीं मिलता। और ग्राफिक में स्मूथ पे हाई रहेगा, बैलेंस पे हाई है, HD पे हाई तक रहेगा, तो स्मूथ एंड हाई पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग पहुँच अभी भी कहूँ तो ठीक ठाक सही है, ज़्यादा अच्छा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप क्लासिक खेलते हो गेम टीडियम वीडियम के लिए ठीक है, क्लासिक पे आपको दिक्कत होगा, तो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता। और अभी डेली लाइफ के लिए भी फिलहाल मेरे हिसाब से आपको डेली लाइफ में कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है, और भी खासकर बैटरी को लेकर के, जो कि मुझे इसके अंदर अभी फिलहाल बैटरी अच्छा नहीं लगा। और ड्रेन भी फर्स्ट डे में तो कुछ ज़्यादा ड्रेन हुआ था, उसके अगले दिन फिर थोड़ा 7-8% का ड्रेन मिला था, जो कि मेरे हिसाब से फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है, और गेमिंग ठीक ठाक सही है, ज़्यादा गेमिंग ख़राब बिल्कुल तो नहीं है, बट ठीक ठाक से रहेगा, ओके ओके सा। तो कुछ इस तरीके का जो है ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और आगे के जो बिल्ड आएंगे शायद तक आएंगे तो उसका भी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा जब आएगा। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।